अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वर टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया चौधरी। खबर शामिल करती हूं लाहौर से। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीज़न डॉक्टर रजा तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीज़न से चौधरी इरफान शौकत अंधे कत्ल डकैती और नकबजानी की वारदातों में मुलव्वस गैंग के बारे में सवाल करते हुए नशे के ना मिलने की वजह से बंदे को मार था। अगर DSP की गाड़ी का टायर निकालना पड़े तो भी कार में नशे की हाल। मेरा प्रिस्क्रिप्शन ये कि आप जितने भी नशा करने वाले लोग हैं, अगर आप इनको पकड़ें 99% ये चोर डाकू होंगे। ऐसी चोरियाँ होती हैं कि पता नहीं चलता यार कहीं करते, लेकिन मेरे को एंड नहीं है उस चीज़ का। एंड ये है कि ऐसी सोसाइटी में रिस्पॉन्ड करना चाहिए उस चीज़ का। ये उसका कॉज क्या है? कॉज ये है कि हमारे सोसाइटी में कुछ चलती है, हम लोग तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे लोगों को अगर किसी खास बात में तो बजाय इससे कि हम उसको साइकोलॉजिकली मॉरली मेंटली सपोर्ट करें, हम उनको झुटकाते हैं। एज अ सोसाइटी, एज अ मीडिया पर्सन, एज अ पुलिस ऑफिसर, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे अगर उसका बाप जो है वो बनाने के लिए सुलह करने के लिए वहाँ पे गया, वहाँ पे दोनों के आपस में तब गुलामी हुई, जिसके नतीजे में जो है वो कुछ चोरियों के बाहर वहाँ पर चल गए और उस नतीजे में जो मकसूद था वो वहाँ पर उसकी डेथ वाकई हो गई। और उसके बाद जिस पर बड़ा मकसूद क्राइम अक्यूज था जो कि वहाँ से गायब हो, उस पर जो मुलजमान है उसका जो वजह नहीं है कि उन्होंने कार्रवाई की वो इन्वेस्टिगेशन बनी है। उसमें सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टिगेशन की प्राइवेट ने लास्ट आपको पता होगा कि एक गांव के अंदर लाश मिली थी जिसमें एक चौकीदार को जो है उस एक सिलेंडर के अंदर जो है वो मार के गति से मार दिया गया था। उसकी भी हम जो है पाँचों के फेस उससे मार थे वो हमने फेस कर ली है। रिकवरी उससे पूरी हो चुकी भी है और अब वो जो है वो शनाख्त के लिए बंद हो चुकी है। हमारी ये काफ़ी एक बड़ी मेहनत थी उसके अंदर, स्पेशल एज की लाइन की आचार्यू की, जिनकी वजह से जो है वो ये मुकदमात को ये मुकदमा स्पेशल जो है वो फेस हुआ। इसके बाद पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ अगेन, इसमें नशा मना करने से जो है भाई ने भाई को जो है वो कत्ल कर दिया।